जय जिनेंद्र मित्रों, सब्सक्राइब कीजिए आपके ही अपने इस चैनल को, साथ में इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं आईफोन कैरी करूं, 1 लाख का आईफोन ओनली फॉर मणजोरे मने वेश श्रमण नो मणजो 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 8 प्रहरनी साधना काजे वेली परोढे हूँ जागु श्वासो लेवा माटे पण हूँ गुरुनी आणा मांगु प्रभुजी मारो साध आजे सांभळजो प्रभुजी मारो साध आजे सांभळजो मणजो रे मने वेश श्रमण नो मणजो मेरी अनंत वंदना चेन्नई मेरी जान चेन्नई मेरी जान मेरे पर दादाजी मेरे दादाजी मेरे पापा सबकी कर्म भूमि एंड लकीली मेरी धर्म भूमि मेरी जर्नी जहां से बिगिन हुई जन्म तो नहीं हुआ मेरा यहाँ बट आई गॉट अ न्यू बर्थ जो मुझे अजन्मा बनाएगा आई थिंक मतलब मुझे फ्यूचर का नहीं पता बट आई एम वेरी श्योर ये भव में ही ऐसा कार्य होगा जो मुझे अजन्मा बनाएगा इतनी भूमि प्रभु तुम ही आनी इतनी भूमि प्रभु तुम ही आनी क्या करूं तुमसे बया ये जर्नी 14 राजलोक की पूरे 14 राजलोक में अनंत गोले ये तो हमको पता है पूरे 14 राजलोक में ठसो ठस भरे हुए हैं अनंत गोले एक गोले में अनंत निगोद एक निगोद में अनंत छाप जर्नी वहां से बिगिन हुई थी और आज वहां एक पलक सिर्फ एक बार आई ब्लिंक करने में 17.5 भव हो गए और यहाँ प्रभु ने बोला गोयम एक समय का भी प्रमाद मत करना समय की डेफिनेशन दी गई है असंख्यात समय बीत जाता है एक पलक झपकाना सिर्फ एक बार आई ब्लिंक किया उसमें असंख्यात समय बीत गया और प्रभु बोल रहे हैं गौतम एक समय का भी प्रमाद मत करना प्रमाद दशा क्या होती है ओनली आलस आत्मा के सिवाय कुछ भी करो सारा प्रमाद हम लोग मतलब यहाँ जितने प्रेजेंट है उसमें से शब्द रूप में आत्मा सबको पता है बट अनुभव रूप में उनमें से किसी को भी नहीं निगोद में भी वो ही जीव था जो आज यहाँ खड़ा है जो मेरे भीतर है तो निगोद की जर्नी से यहाँ की जर्नी कैसे हुई निगोद में मेरी बॉडी मतलब एकदम अनविजिबल रूप में थी और आज इतनी बड़ी है तो क्या वो ही रुचि है या वो ही आत्मा है आत्मा इज द सेम बट ओनली बाहर का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है निगोद से एकेंद्रिय में गई एकेंद्रिय में पृथ्वी का है अब का है हम सबको पता है बट अब का है फॉर एग्जाम्पल एक बूंद में असंख्यात जीव एक बूंद में असंख्यात जीव और केवल क्या असंख्यात अनंत की डेफिनेशन परमात्मा बताते हैं असंख्यात केवल भुवन तो देख सकते हैं अनंत वो भी काउंट नहीं कर सकते मतलब इतना विशाल वैसे ही एक बूंद में असंख्यात जीव और हम कितने बूंद ऐसे ही सुबह उठे टैप चालू किया टैप को कपड़ा लगा हुआ या नहीं इट्स ओके लगाएंगे तो वहां पूरा वो ग्रीन ग्रीन आ जाएगा खराब हो जाएगा मेरा टैप ये चिंता हमको ज्यादा रहती है बट हमारे परमात्मा ने बताया है मतलब अलगन पानी अगर मैंने वापरा 7 गांव जलाने जितना था तो आप इमेजिन कर सकते हो
गांव जलाने जितना पाप सिर्फ एक बकेट अलगन पानी यूज करने से। और हम क्या करते हैं, फ्रेश होने गए, फ्लश किया। एक सेकेंड के लिए वो अंदर आया कि वो इतने सारे जीव में से एक क्षण एक भाव मेरा भी था, इसमें ऐसे ही क्या था, मेरी विराधना हो गई थी, मैं मर गया था। पोछा किया, बर्तन किया, कपड़ों को ऐसे मसला, असंख्य जीव को ऐसे मसला है। आप वो ही जीव हो, आपको कोई ऐसे ही मसलना है, कितनी वेदना होगी। एक क्षण के लिए भी वो सारे जीवों को क्या हमने सॉरी बोला। तेरू का है जिनका आयुष्य ओनली 3 nights। हम 3 nights के लिए टूर पर जाते हैं, रिसोर्ट पर जाते हैं। वो ही तेरू का जीव जिनकी आयुष्य ओनली 3 अहोरात्रि, ओनली 3 nights। और हम क्या करते हैं, फोन ऑन किया, स्विच तेरू का जीव की विराधना, स्विच ऑन ऑफ ऑन ऑफ। एक क्षण के लिए भी क्या हमारे अंदर भाव आया कि मैं इतने सारे जीवों को मार रहा हूं। वाहू का है जी, बोला जाता है कपड़ा का प्रयोग क्यों करना है, मोमबत्ती का प्रयोग क्यों करना है। अंदर जो है वो अचित वायु, बाहर है सचित वायु, दोनों का मिक्सचर हुआ विराधना। मतलब प्रभु ने कितनी जबरदस्त आज्ञा दी है, पानी पीना है उबलावा वापो। क्यों? एक बार उसमें जो जीव की विराधना हुई वापस नहीं होने वाली, एक बार विराधना की वापस नहीं होने वाली फॉर अ पीरियड। बट अगर मैं उबलावा नहीं वापरती, क्षण क्षण उसने जीव उत्पत्ति विराधना, उत्पत्ति मतलब जन्म मरण, जन्म मरण। इतने जीवों को ऐसे ही हम एक क्षण के लिए भी क्या वो जीवों को सॉरी बोला। अगर एक बिल्डिंग है, आप छत पर से आवाज सुनो कि कोई एक छोटा बच्चा गिर गया, एक क्षण के लिए आपको क्या लगेगा, हाश मेरा बच्चा कहाँ। जैसे ये डर आया कि मेरा बच्चा तो नहीं गिरा है, भाग कर जाओगे, उसको गोदी में लोगे, बचाओगे, भागोगे। जो अपकाय में जीव है, जो तेरुकाय में जीव है ना, कोई ना कोई भाव में वो भी आपके बेटे थे। क्या उनको बचाने की आपके अंदर थोड़ी सी भी भावना? इतना बेस्ट भाव मिल गया है, एक इंद्रिय से बे इंद्रिय, बे इंद्रिय से ते इंद्रिय, इतनी लंबी जर्नी करके आज ये पंचेंद्रिय भाव मिला। पंचेंद्रिय भाव में भी मनुष्य भाव मिला, क्या पता बिल्ली का भाव मिला होगा। बिल्ली का लक्ष्य क्या होता है सुबह से शाम, बस चूहे को पकड़ना, उसी लक्ष्य से वो दौड़ी होगी और उसका भाव गया। बट हम क्या कर रहे हैं, हमको मतलब पता ही नहीं है कि ये बर्थ किस लिए है, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड माय बर्थ, क्यों मेरा जन्म हुआ है, करना क्या है, जो पास्ट में क्या वो ही, या कुछ चेंज, कुछ अद्भुत। कुछ चेंज नहीं चाहते हम, नॉर्मली लाइफ जो जीते हैं उसमें हम चाहते हैं कुछ हटके करो, तो व्हाई नॉट इन दिस केस। ये भव मिल गया, इतनी अच्छी फैमिली मिल गई, जैन धर्म मिल गया, पांचों इंद्रियां मिल गई, बट व्हाट यूज। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आईफोन कैरी करूं, 1 lakh का आईफोन ओनली फॉर इनकमिंग एंड आउटगोइंग कॉल्स, और उसके एक भी फीचर्स का यूज नहीं करूं, तब मुझे क्या बोलोगे, 500 रुपए का फोन रखना, फोन उठाना है, उसे कॉल करना है, और यही पर्पस के लिए चाहिए तो ये कर ले, बोलोगे या नहीं। तो ये मनुष्य को मिल गया, सब मिल गया, और अगर ऐसे ही बस खाओ पियो मजे करो तो नेक्स्ट चांस मिलेगा चाहिए। ऐसे तो हम रोज गाते हैं, सीमंदर स्वामी के पास हमें जाना है, संयम देके केवल पाके मोक्ष को जाना है, लक्ष्य बना दिया, बट लक्ष्य के लिए एक से भी क्या हम आगे बढ़े हैं। ऐसा श्रेष्ठ साधु जीवन मुझे मिलने जा रहा है, जहां क्षण क्षण मुझे सब जीवों से प्रेम करना है। हम बोलते हैं वृत्ति धर्मो वेश प्यारो प्यारो लागे रे, संसारिनो संग खारो लागे रे। नो नो नो, मेरा शासन तो बोलता है सबका संग बहुत प्यारा है, ऐसी साधना देता है सबके साथ रहते हुए भी अपने में मस्त।
मैं ये मार्ग इसलिए चूज नहीं कर रही कि मुझे मम्मी पापा फैमिली किसी से प्रेम नहीं, बट मुझे सबसे बहुत प्रेम है, बट इन सब में से मुझे परमात्मा से बहुत प्रेम है। द ओनली रीजन कि वो ही वैसे आत्मा है जो सब जीवों से प्रेम करते हैं, उनकी हर आज्ञा सब जीवों के कल्याण के लिए है, उनकी एक भी आज्ञा ऐसी नहीं जो इसके हित के लिए और इसके अहित के लिए है। सुबह उठी तो ऐसे लगता है थैंक यू दादा यू हैव गिवन मी दिस बर्थ। हर क्षण ऐसे लगता है कि कितना अद्भुत टाइम मिल गया है, कितना अद्भुत शासन मिल गया है, अभी कुछ नहीं करना है। इतनी अद्भुत फैमिली मिली जहाँ से मुझे व्यावच का गुण, मेरे दादाजी मतलब ऐसे बोलते हैं उनकी दादाजी भवला जी सखलेचा और मामा जी पुखला जी चाचे, ये दोनों की व्यावच इतनी जोरदार, मतलब पहली बार मुझे मेरे गुरुओं पर से पता चला कि जो मेरे गुरु के गुरु जी है उनकी इतनी व्यावच की थी मेरे दादाजी ने। मुझे ऐसा लगा यार क्या फैमिली मिली है जो बस बोल रही है सबकी भक्ति करती जा, सब तेरे परमात्मा है, सब में तेरी शुद्ध आत्मा है। मेरे कैलाश शंकर बस बोला जाता था उनको कि कैलाश जी ये करना है, हाँ भाई सर, मतलब समर्पण हाई लेवल। आज सबसे ज्यादा ये 3 मेंबर्स को मैं बहुत मिस कर रही हूँ, मतलब आज यहाँ होते ना उनका प्रेम से बस फुल फ्लेज में बरस रहा होता कि वाह बेटी हमारा सपना पूरे साकार किए, एंड बस उनका सपना था ना शायद इसीलिए मैं यहाँ आऊँ, मेरी तो कोई योग्यता नहीं। देव गुरु की इतनी कृपा वर्षी, सकल संघ की इतनी कृपा वर्षी, और ये चेन्नई नगरी द प्लेस जिसने मुझे नया बर्थ दिया, सबको अंतर्गत से मतलब थैंक यू बोलती हूँ कि आप नहीं होते तो शायद मैं यहाँ नहीं होती, शायद